भैया हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें राजकुमार राम से मिलना है। ये अयोध्या वासी अंदर जा सकते हैं। आप रुक जाइए, रुकिए। हम वैद्य हैं, हमें भीतर जाने दो। वैद्य जी, सुरक्षा कारणों से रात्रि में नगर में प्रवेश वर्जित है, आपको प्रातः तक प्रतीक्षा करनी होगी। देखो भैया, हम हिमालय से आए, हमारा राजकुमार राम से मिलना आवश्यक है। प्रातःकाल से पूर्व किसी से आपकी भेंट संभव नहीं है, उचित होगा कि आप विश्रामालय में जाकर ठहर जाएं और प्रातः की प्रतीक्षा करें। अवधपुरी पहुँचे हनुमान, राम के मन में कुछ अनुमान, भक्त के आने का आभास, उमड़ घुमड़ करता काश। हनुमत परम भक्ति में लीन, राम भक्त आभास में लीन। महामिलन की बेला मंगल, उत्सुकता में सृष्टि है चंचल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ राम? क्षमा कीजिए माँ, मेरे कारण आपकी निद्रा टूट गई, किंतु मेरे नाम की ये करुण पुकार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बस पुत्र, धीरज रखो, प्रातः होते ही राम से तुम्हारा मिलन होगा। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा पुत्र, चलो अब सो जाओ। भैया, मैं कीकावी बहन के वस्त्र ले आया, ये देखिए इन्हें पहन लूंगा तो राम भैया के मुखड़े पर अति अवश्य आ जाएगी। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया नहीं हंसेंगे, तुम अवश्य हास्य के पात्र बन जाओगे। तो फिर मैं विचित्र क्रीड़ा करूं, जैसे रीच या फिर वानर के जैसे या नट के जैसे, कभी उछलूंगा कभी पलटी मारूंगा ऐसे। नहीं लक्ष्मण, ये सबसे कुछ नहीं होगा, चलो वहां में जाकर देखते हैं। दूर दूर से कलावंत आए हैं, हो सकता है कि राम भैया की उदासी वही दूर कर दे। दूसरा चरण आरंभ होने वाला है, हो सकता है कि किसी की क्रीड़ा राम भैया की उदासी दूर कर दे। चलो। राम का मन अभी भी उदास व विचलित है, कौन है वो जो राम को प्रसन्न कर पाएगा? आश्चर्य है, आप सब दूर दूर से आए हुए कुशल नर्तक, महाविदूषक, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वैद्य, परंतु आप ऐसे कोई भी ऐसा नहीं जो राजकुमार राम के मन के विषाद को दूर कर सके। क्या किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो राजकुमार राम के मुखड़े से अवसाद के चिन्हों को मिटा सके?
क्या इस संपूर्ण सभा में ऐसा कोई भी नहीं जो राजकुमार राम के विचलित मन को शांत कर सके? पूर्व की भांति उन्हें पुनः आनंदित कर सके? कोई नहीं है सर। मैं कर सकता हूं। देव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय तो संगीत में विशारद हैं। ये अवश्य ही कुछ विशेष करेंगे। विषाद मिटा दे, दुख हटा दे, करे सबके मन को प्रसन्न। मेरी कला है ऐसी राजन, दे सबको आनंद। मैं प्रयास करूं महाराज? यदि आप मेरे पुत्र राम के मुख पर आनंद ला सके तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार। इस भरी सभा में केवल आप मेरी अंतिम आशा है। कृपा करके अपनी कला प्रस्तुत करें। अवश्य महाराज। क्षमा कीजिए पिताश्री, हमें जाने की आज्ञा दे। मुझे दुख है, आपकी अद्भुत कला भी मेरे राम को आनंदित नहीं। राम इसी तरह विचलित रहेंगे तो एक दिन विक्षिप्त भी हो जाएंगे और यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और अगर यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाए तो युवराज नहीं बन और सिंहासन हमारे भरत को ही मिलेगा। सन्ना सबका करना मन का मंत्र यही है मंत्र का। मैं महाप्रतापी नरेश, रघु का वंशज, अपने पुत्र की प्रसन्नता लौटाने में असफल रहा। दूर दूर से आए अपने कलाओं में निपुण आप सभी मर्मज्ञ कलावंत भी असफल रहे। न जाने कब मैं अपने पुत्र राम को पूर्व के भांति प्रश्नचित देख पाऊंगा। महाराज, बाहर एक वैद्य जी हैं, मुंज पर्वत से आए हैं। वो कहते हैं कि राजकुमार की उदासी को दूर कर देंगे। अब आने से क्या लाभ, राम तो उठ कर चले गए। जब हम जैसे गुणी कलावंत कुछ नहीं कर पाए तो ये वैद्य क्या कर पाएंगे? हाँ राजन, वो वेदरा जिया कौन सा तीर मारेंगे? क्या करेंगे उन वैद्य को बुलाकर आप? उन्हें लौट जाने को कह दीजिए। हाँ, और फिर भी यदि आपको किसी चमत्कार की आशा है तो बुला लीजिए, परंतु होने वाला कुछ नहीं। जाओ और पूरे सम्मान के साथ उमेश जी को यहां लेकर आओ। आप अंदर जा सकते हैं।
आप सब कलावंतों और जगत उद्धारों का अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ को प्रणाम। मुझे दीपक जला दू, मुरझाए फूल खिला दू, सोए हुए मन के तार जगा दू। राजन ठीक हो जाएंगे राम। तो आपके हित साधन का प्रतिफल लूंगा मैं। आधा राज्य देने की घोषणा तो मैं पूर्व ही कर चुका हूं। राजन वैध हूं, रमता जोगी बहता पानी, आज यहां तो कल कहीं और। आपके प्रतिफल में वचन चाहिए मुझे। वचन? क्या वचन चाहिए आपको? मन चाहा वचन, किंतु अभी नहीं, समय आने पर। मेरे राम की प्रसन्नता के लिए मैं मेरा पूरा राजपाट देने के लिए प्रस्तुत हूं। भले ही इसकी सुन लीजिए, किंतु इसे राज मत दे दीजिए। अगर राज दे देंगे तो भरत के राजा बनने का स्वप्न यहीं बिखर जाएगा। मैं राज लूं या कुछ और, अभी मात्र वचन चाहिए। स्वीकार है तो बोलिए। हमें स्वीकार है। बस हमारा पुत्र पूर्व की ही भांति सामान्य व्यवहार करे एवं आनंदित रहे। हनुमान की कुशलता के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ, धन धान्य माणिक मोती, यहाँ तक कि ये राजपाट भी। आप बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ। वचन पर अटल रहिएगा राजन। हम रघुकुलवासी अपने वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन ना जाए। वैद्यराज जी, मैं अपने इस वचन की गांठ बांध रही हूं अपने आंचल में। बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, उसकी उदासी दूर कर दीजिए। अवश्य, मैं नृत्य और संगीत से राजकुमार राम की उदासी दूर करूंगा। इसका प्रयास तो हम कर चुके हैं वैद्य जी। सबका संगीत भिन्न भी तो हो सकता है, कहीं मनोरंजन का भाव, कहीं भक्ति भाव। आपके पास वाद्य यंत्र एवं उनके वादक तो है ना? हाँ है ना, मैं आपके साथ लय और ताल मिलाने का प्रयास करूंगा। आप उपचार आरंभ कीजिए। और यज्ञ स्थल पर जाकर महा नृत्य करके आऊंगी। असत्य बोलो तो शिवा कर जाए। पुत्र राम को लेकर आओ। संकेत दे दिया है स्वामी ने। चलो हनुमान, तुम्हारे प्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं। सुनिए तो, सुनो ना राम भैया, सुनिए ना राम भैया, राम भैया चलिए ना राम भैया, राम भैया सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सभा में। हाँ राम भैया चलो, चलिए ना राम भैया, राम भैया चलिए ना। राजन, अब आपकी इस सभा में संगीत मेरा होगा और नृत्य इस बालक का। हम मिलकर उपचार करेंगे। हमारे
हमारे कहने पर तो आप मुड़े भी नहीं और अब एकाएक सभा की ओर चल दिए। आपको दरबार में कोई प्रश्न नहीं राम भैया से, बस अनुसरण करो। ठीक है भैया। संकट मोचन महाबली प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान।